हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछले कल कोई वीडियो नहीं आई, की थी एक एडिट पुरानी वीडियो, लेकिन वो डाल नहीं सकी मैं, कुछ प्रॉब्लम थी। तो आज वैसे बुखार काफ़ी ठीक है, मतलब ठीक है, पर आंखों में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं क्यों है। कल मैं रोई भी थी ऐसे ही रो जाती हूँ मैं कभी कभी, आंखें नहीं खुल रही मेरी, आंखों में बहुत दिक्कत है। चश्मा भी लगा के रखा था, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जब फिर मैं इसको उतार देती हूँ भाई, नहीं तो ना चश्मे से मेरे आराम हो जाता था, चश्मे से मेरे दर्दन लगती थी, लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कि इससे भी आराम नहीं होता। बाकी मैं ठीक हूँ, और आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत केयर करी, बहुत पूछा मुझे कि वीडियो क्यों नहीं आया, व्हाट्सएप पे भी पूछा, इंस्टाग्राम पे भी पूछा, कमेंट से भी पूछा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भाई का भी कमेंट आया था, तो जब तभी मतलब बहुत ज़्यादा मुझे जब तकलीफ होती है ना, मैं तभी नहीं वीडियो डाल पाती, अदरवाइज मैं कोशिश ही करती हूँ कि चाहे पुरानी एडिट करके डाल दूँ। कल आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा चलो, हो गया बीमारी का। अभी सुबह का ही टाइम है, बच्चों के लिए आलू के परांठे बना रही हूँ मैं। अगर खाते मतलब कई बार भूखे निकल जाते हैं, लेट हो जाते हैं ना बनाने को, आटा मैंने लगा दिया, उधर आने के पापा ने आलू डाल दिए। हाँ एक बात मैं और कहूँगी कि इन्होंने ना मेरी बड़ी वो करी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेवा, सेवा ही बोल लो आप, कि केयर करी जब मैं बीमार थी ना, वैसे इतनी केयर करते नहीं थे, अब करी। हाथ मेरे आटे वाले हैं ये देखो। तो केयर का मतलब ये ना कि मुझे जैसे बैद की जो दवाई होती है ना, उसके ऊपर ठंडे गर्म पानी से नहीं छूना पड़ता, और अब गोवर्णी तो मुझे जाना ही पड़ता था। बस मेरी आंखों में बहुत तकलीफ है, प्लीज़ मुझे आंखों के लिए कुछ ज़रूर बताना, कि या फिर दवाई लेनी पड़ेगी। आंखों में बहुत बहुत दर्द है, मतलब ये बता दूं मैं आपको, आंखें मेरी खुल नहीं रही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो वो क्या बोलते हैं, हाँ यूक्रेन पे जो महासंकट आया है, सही है, भूल गई थी मैं, वो खत्म हो जाए, दोनों देशों की शांति से सुलह हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। मैं शाम से हम लोग न्यूज़ सुन रहे थे, दुख हो रहा था, पता नहीं अब चलो सब भी अपनी अपनी जगह सही होंगे, लेकिन क्या बोलते ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो लोग मारे जा रहे हैं और कितना कुछ हो रहा है, तो भगवान से प्रार्थना है कि बस उनका वो शांति से सुलह हो जाए, दोनों देशों की बैठ के बातचीत करनी चाहिए, है ना। अच्छा चलो, अभी ये चाय बना रहे हैं, पापा चाय बना रहे हैं। हेलो, जय माता दी। और आलू डाल दिए उबलने, हमने मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया है, और ये चाय बना रहे हैं। और आपको एक हैरानी की बात बताऊं, देखिए सामने है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मेरे चूल्हे का हाल देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं अपने चूल्हे की, आज पहली बार बहुत दिनों बाद पहली दफा ये देखो यहाँ से सारा उखड़ गया है, क्योंकि मेरे को 5-6 दिन हो गए ना, और मिट्टी नहीं मैंने चूल्हे में लगाई। अब ये काम तो औरतों का ही होता है, ये मर्दों से करने भी नहीं आता और उनको शोभा भी नहीं देता, लेकिन मतलब वो कर भी नहीं सकते। अच्छा दूसरे बारिश भी थी तो मैं अपने चूल्हे में मिट्टी नहीं दे पाई। ये देखो क्या हालात है, यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, आज देखती हूँ अपने चूल्हे को लिपूंगी। जब हम अच्छा अच्छा दिखाते हैं ना, तो हमें बुरा भी दिखाना चाहिए, कि जैसे बीमारी की हालत में हमसे क्या क्या काम छूट जाते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है ना, उनका तो ये होता है कि फिर भी चलो थोड़ा बहुत उनके ऊपर इतना परहेज नहीं होता, जो वैद की दवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर बहुत परहेज होता है। तो चलो अभी मैं ना वो कट कर लेती हूँ, आज मैं काफ़ी ठीक हुआ है, मैं वीडियो बना ही लूँगी काफ़ी सारे। और चाय बन रही है हमारी, देखो यहाँ पे मैं दो प्याज ले लिए हैं, और ये लहसुन की जो है ना हरी पत्तियाँ हैं, तो इनको मैं बिल्कुल बारीक बारीक कट कर रही हूँ, ये यहाँ पे छुरी है, बाकी इसको मैं सारा कट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए जितने को आलू ठंडे होंगे उतने को मैंने ये प्याज, हरे लहसुन की पत्तियाँ, जीरा, अजवाइन, अदरक, मेथी सॉरी लाल मिर्च पाउडर और सौंठ पाउडर, ये मैंने इसमें मिला दिया है। उतने को अभी आलू ना ठंडे हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे आलू, एक आलू है बस, एक काफ़ी है, एक या दो बना दो डाल देते हैं, दो तू चाबे आलू है, गर्मा गर्म आलू, और फटाफट से बनाने पड़ेंगे, पता पर गर्म आलू के ना पराठे अच्छे नहीं बनते। ये तो ये है कि बच्चों ने जाना है अभी स्कूल जल्दी जल्दी, और ये तो मुझे लग रहा है कि उस तरह से गला भी नहीं है अभी। एक मिनट कैसे आलू मैश रो, आलू मैश राजू कुटी लगी। तो चलो इसको अभी इससे करना, दूजा पाओ, दूजा पाई देते
पर मुझे लगता नहीं। तो ये देखिए, एक तो इसने कर दिया बिल्कुल मैश, मैशर ने, और गर्म भी है ना तो ठंडे भी हो जाएंगे हाथों से, तो बहुत वो ताती लग रही थी। ताती बोलते हमारे जैसे ना, ऐसे छुए ना तो फिर गर्म लगता है ना, तो उसको ताती बोलते, ताती बहुत जगह पे बोलते। मैंने काफी जगह पे ना सेम सेम जैसे वर्ड देखे एक जैसे। ये देखो ठीक है, ये मैशर से ना अच्छे से हो गए। अब इसमें वो गुठलियां वगैरह ज्यादा नहीं रही, या तो फिर मैं इनको कुंडी में कूटती हूँ, मेरे पास तो दो ही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, नमक मैंने अभी इसमें डाला नहीं है तो मैं नमक भी डाल रही हूँ, और मेरा हनी तैयार हो चुका है। और फिर जब इसको स्कूल जाने की आती है तो फिर ये बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, तो फिर भाग जाता है। चलो, और देखिए अभी ये भी पूता, फोन पकड़ो मैं बनाने लगना। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। बड़ी कहनी हो रही आचड़ चाह रहे, फोन पकड़ दे दो मिनट। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ बनाने पराठे, और इससे पहले मैं बना चुकी थी जो बच्चे खा के मतलब चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो के लिए मैं बाद में बना लूँगी। और ये देखो चूल्हे की बहुत बुरे हालात हैं, बस आज मैं इसकी लिपाई करूँगी, और क्योंकि मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, गर्म पानी में मिट्टी को भिगो के, तो फिर उसके बाद, क्योंकि ठंडा पानी मुझे छूने के लिए बिल्कुल भी मना किया हुआ है, और इस वजह से मेरे जो मैंने उस दिन बाल धोए थे, मेहंदी लगाई थी, उस दिन के बाद मुझे बुखार आ गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह से बुखार मुझे आया और क्या मैंने ऐसा किया, तो वैद्य ने बताया। तो यहाँ पे हनी के पापा कुछ कर रहे थे काम, हाँ ये आलू बना रहे थे, खट्टे आलू है ना, हमने थोड़े से उठाए थे इसके लिए, परांठों के लिए, बाकी ये बना रहे थे ऊपर तड़का लगा के। इन्होंने बहुत ये करी मेरी इस बार बुखार में, नहीं तो फिर खुद ही करना पड़ता था बहुत बार काम। तो इन्होंने आलू बना दिए, मैंने फुलके लगा दिए, क्योंकि आज मैं काफ़ी काफ़ी फ्रेश थी। मेरा ना ऐसा है कि अगर मुझे बुखार नहीं होता है तभी ठीक होती, तो मैं ऐसे बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर सकती कि हाँ है। होती है ना कुछ कईयों को आदत की छोटी सी, उसमें भी ये करते रहना, कराते रहना, या मैं तो बिल्कुल जतन हो जाती हूँ अगर थोड़ा सा मुझे आराम मिलता है। ठीक है, ये देखिए ये हमारे परांठे हैं, बच्चे लोग खा चुके हैं, और ये मैं और हनी के पापा खाएंगे, बस अभी हम रहे थे, तो देखो कितने अच्छे ये बने हैं। और मैं तो कुछ नहीं लूँगी फिलहाल, चाय के साथ खा लूँगी, वैसे दही के साथ, अचार के साथ, जैसे भी खाना चाहे तो खा सकते हैं, पर बने बहुत अच्छे हैं, पतले पतले से हम ये जले हुए, मेरा हनी ऐसे ही खाता है, जो थोड़े थोड़े ना जले हुए होते हैं, बाकी को बोलता है कि ये कच्चे हैं। तो ये देखो, और ये सबसे बड़ा, और हमने एक जोजो को भी बनाया था एक परांठा, क्योंकि जोजो भी हमारी एक फैमिली का हिस्सा है तो उसको भी देना पड़ता है। तो चलो मैं अभी आप लोगों से ना बाद में मिलती हूँ, और फिर मैं आपसे कुछ बातें करूँगी। ठीक है, मैं खा लेती हूँ अभी। तो बस यही था आज का वीडियो, आलू के परांठे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, और मैं मेरी तबीयत कैसी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आज काफ़ी ठीक है, और आज धूप भी आ रही है, मैं आपको थोड़ा बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। देखो आज मौसम कुछ ठीक लग रहा है, और पिछले 2-3 दिनों से तो बहुत ही बुरे हालात थे, आज ये देखो इस तरह का मौसम है। और सूर्य भगवान जी, आज बादल भी नहीं है ऊपर, पर शाम के टाइम ना दिन के टाइम बताई गई है बारिश। और मैं नंगे पाँव घूम रही हूँ, अभी उतना ठीक नहीं हूँ लेकिन फिर भी नंगे पाँव घूम रही हूँ। और पता है थोड़ा सा ना मतलब कमज़ोरी आ गई है इससे, इन बुखारों से मेरे को ना कंपन जैसी होती है उतरते हुए ऐसे, मतलब अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, है ना। तो ये देख सकते हैं, मैं नीचे आ गई हूँ आंगन में अपने, और वो ऊपर हमारे रसोए, ये हमारा घर है। तो चलो बस यहीं पे मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ, छोटा सा वीडियो था। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो अभी मतलब बहुत कमज़ोरी आ गई इन बुखारों से मुझे, लेकिन ठीक भी हो गई, लिपस्टिक लगा ली आज। अच्छा लगता है मुझे कभी कभी लगाना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और बस दुआ ज़रूर करना कि ये जो युद्ध चला है ये रुक जाए, और कोई भी हानि ना हो कहीं की, पता नहीं यहाँ क्या होगा। मैं आजकल जैसे घर में हूँ, फ्री हूँ समझो, ये न्यूज़ बड़ी देख रही थी, कल से हर चैनल पे एक ही चीज़ दिखाई जा रही है, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उनके ऊपर, कि किस तरह से जो है वो युद्ध शुरू हो चुका है यूक्रेन और रूस का। ठीक है,
तो ठीक है, जय माता दी।